नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना चोपड़ा। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जनकपुर पहुंचकर जनकपुर से लेकर अयोध्या बस सेवा का उद्घाटन किया। लेकिन इस बस सेवा के उद्घाटन के माध्यम से न सिर्फ वो माँ जानकी को भारत यानी अयोध्या ले आने की बात कह रहे थे, बल्कि साथ ही वो ये भी भूल गए कि आज तक वो भगवान राम को घर तो नहीं दे पाए हैं, लेकिन माँ जानकी को ले आने के बाद उन्हें आखिरकार रखा कहाँ जाएगा, इस पर सोच विचार करना वे भूल गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 2 दिवसीय नेपाल दौरे पर जनकपुर पहुंचे। जनकपुर में पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर जनकपुर अयोध्या बस सर्विस को हरी झंडी दिखाई। बस को हरी झंडी दिखाने के बाद पीएम मोदी 12 बीघा के रंगभूमि मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां से मोदी ने भाषण की शुरुआत मैथिली भाषा में की। अपने भाषण में जहां पीएम ने कहा कि नेपाल के बिना भारत की आस्था अधूरी है, माता जानकी के बिना अयोध्या का अस्तित्व अधूरा है। कई मायनों में ये दौरा खास है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल श्री राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ने वाली सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई ये सवाल करे कि इतना बड़ा रास्ता तय किया जनकपुर जाने का और बस सेवा भी शुरू की अयोध्या तक के लिए, लेकिन माता सीता को क्या अयोध्या में लाकर पंडाल में रखने का इरादा है? रामायण सर्किट बस मार्ग का उद्घाटन करने और बस सेवा को शुरू करने के बाद सवाल बरकरार है, जो हर बार बीजेपी सरकार से पूछा जाता है कि माता जानकी को तो ले आए पीएम मोदी, लेकिन रामलला के पास घर ही नहीं है, कहां रखेंगे मां सीता को? जय श्री राम का नारा लगाने वाले अब राम मंदिर के निर्माण पर चुप्पी साधे हुए हैं।